स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल बीआर सिनेपिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वीडियोज की श्रृंखला में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आइए चलकर देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्या कुछ चल रहा है और कितना काम यहाँ पर हो चुका है। तो आज हम आपको जिस लोकेशन पर लेकर चल रहे हैं, इस लोकेशन का नाम है खटिक्का तिवारा, तहसील बसुआ, जिला दौसा, राज्य राजस्थान। और हम आपको बता दें, यहाँ पर ओवर ब्रिज के नज़दीक जो ब्लॉक्स की दीवार होती है मिट्टी को रोकने के लिए, उसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने ओवर ब्रिज बन रहा है और कुछ मिट्टी का भराव भी यहाँ पर हो रहा है, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप है, उसके नज़दीक ये कार्य चल रहा है। और सामने से MDR 48 गुजरता है, आपको कुछ वाहन आते जाते दिख रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक्स की जो दीवार है वो तैयार की जा रही है और मिट्टी भराव का कार्य भी यहाँ पर हाथों हाथ चल रहा है। सामने आपको कुछ मशीनें खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। बगल में ही जो ओवरब्रिज है उसका निर्माण कार्य हो रहा है, एक दो दिन में यहाँ पर अब जो रूफ है उस पर कंक्रीट डालने का काम होने वाला है। लेकिन आज हम आपको ये जो ब्लॉक्स की दीवार है उसका जो काम चल रहा है उसका वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रेडर मशीन भी मिट्टी का समतलीकरण कर रही है और एक जो अर्थ मूवर है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। पास में ही कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन ब्लॉक्स को रखा गया है, जगह जगह पर ब्लॉक्स रखे गए हैं जिससे कि ब्लॉक्स की जो दीवार है तैयार की जा रही है। ये देख सकते हैं आप मिट्टी भर करके डंपर यहाँ पर बराबर रूप से आ रहे हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि इस ओवरब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो लगभग 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस गति से यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है उसके हिसाब से तो 2 महीने में जो इस ओवरब्रिज का निर्माण है वो आराम से हो जाना चाहिए। और इसका निर्माण हो जाने के बाद जो दोनों तरफ से है वो कनेक्टिविटी हो जाएगी और लोग इस पर आराम से ड्राइव कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक भांडारेज दौसा से दिल्ली तक इस एक्सप्रेसवे को ओपन किया जाए, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं फरवरी या मार्च तक
इसको ओपन कर दिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ओवरब्रिज के दोनों ओर डामरीकरण हो चुका है, और ये देख सकते हैं कई बार कुछ दर्शक हमसे कमेंट पूछते हैं कि जो खट्टिका तिवारी के नज़दीक पेट्रोल पंप है उसको हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी उसको हटाया नहीं गया है। वैसे तो जो हाईवे की भूमि है उसमें हिस्सा आ रहा है उसकी पेट्रोल पंप की ज़मीन में, लेकिन फ़िलहाल इसको हटाया नहीं गया है। हो सकता है कि मुआवजा नहीं मिला हो या फिर कुछ भी कारण हो सकता है। हम दर्शकों के चुने हुए कमेंट्स हमारी वीडियो में प्रकाशित करते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ दर्शक छूट जाते हैं, उनके कमेंट शामिल नहीं हो नहीं पाते। चलिए बात करते हैं हमारे द्वारा चुने गए आज के कमेंट्स की। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताया करें जिससे कि हम आपके जो कमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करें। तो पहला जो कमेंट है वो है ट्रू इंडियन का, ये लिखते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया आपने, वीडियो के लिए थैंक्स, आप साइट की लोकेशन गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करो। तो वैसे तो हम हर वीडियो में लोकेशन ज़रूर बताते हैं। अगला कमेंट है हार्दिक जोशी जी का, लिखते हैं थैंक यू फॉर अपडेट, तो हम इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगला कमेंट है मयंक सुयाल का, ये लिखते हैं इनॉग्रेशन विल बी ऑन फेब्रुवरी 2022, ये कहते हैं कि उद्घाटन है जो फरवरी 2022 में हो जाएगा। हाँ इतना है कि तब तक हो जाना चाहिए। अगला कमेंट है मानसिंह गुर्जर का, लिखते हैं बहुत बढ़िया वेरी नाइस वीडियो, तो हम इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगला कमेंट है मोहन पाल का, ये लिखते हैं नाइस वीडियो, हम इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगला कमेंट है साहिद खान जी का, लिखते हैं भाई लाल शॉट वीडियो बनाओ, तो जब भी हमारा इधर का टूर लगेगा हम इधर का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद अगला कमेंट है संगीत विश्वास जी का, ये लिखते हैं लोकेशन, तो लोकेशन है दौसा राजस्थान जिसमें खट्टिका तिवारी के नज़दीक ये कार्य चल रहा है। वैसे हम हमारे वीडियो में लोकेशन ज़रूर बताते हैं, और आप सामने देख सकते हैं ये जो दृश्य है ये मुंबई की तरफ का है। अगला कमेंट है शैलेश जी का, ये लिखते हैं वेरी गुड नाइस वर्क, आप बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हो, तो हम इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि आपके कोई सुझाव हों तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।